जय परशुराम की। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। जय जय। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत का सक्रिय योगदान रहा है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्थिक अनिल मोहन तिवारी, संस्थापक श्री गजेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील द्विवेदी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने ब्राह्मणों का आह्वान किया और कहा कि सारे ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर एक मंच पर उपस्थित हों, जिससे उनकी मांगे और आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। ब्राह्मण समाज जो संपूर्ण समाज को मार्गदर्शन दे रहा है, जिसने दिशा देने का प्रयास किया, आज वही सबसे वांछित और उत्पीड़न का शिकार है। कार्यक्रम में जगतगुरु रामाद्राचार्य महाराज के प्रतिनिधि के रूप में आए मीडिया प्रभारी शांतनु शुक्ला, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, रामानंद स्वरूपा महाराज, शंकराचार्य, नरेंद्रानंद, सरस्वती जी महाराज, सुमेरु पीठ, अंतर्राष्ट्रीय शूटर किसान नेत्री पूनम पंडित, सतीश द्विवेदी, पूर्व मंत्री ज्योतिषाचार्य डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी महाराज, पीयूष द्विवेदी, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रकाश मिश्र, पूर्व मंत्री सुनील भरलाल सहित सैकड़ों वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने एक स्वर में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को ब्राह्मणों के लिए लड़ने वाला महानायक के रूप में घोषित किया। क्या कहना चाहेंगे ब्राह्मण कुंभ को लेकर? देखिए, ये कुंभ का आयोजन जो किया गया है, देश में सनातन और ब्राह्मण पर हो रहे लगातार हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार आदि को लेकर के ये किया गया है कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। क्या कहना चाहेंगे आज की सरकार से? बीजेपी की सरकार है, वो तो कहती है कि हम ब्राह्मणों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी की सरकार रही है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहा है और उसे न्याय नहीं प्राप्त हुआ। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है आपके समाज की? इसी को लेकर के है ना, खुली बहस है। हमारे संत जी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी सनातन पर बराबर कटाक्ष करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को कहना है कि उनके मुंह में बवासीर है, पहले उसकी दवा कराए और इन्हीं आज विषयों को लेकर के खुली बहस होने जा रही है। अनिल जी, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है इस महाकुंभ का आयोजित करने का? जी, इस महाकुंभ का उद्देश्य ये है कि हम सब ब्राह्मण जितने भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, जितने भी हमारे समाज हैं, सबको एकजुट करना और एकजुटता के बाद समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और अपने ब्राह्मण परिवार के हित में जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो किताबों और कॉपियों में ही ख़त्म हो जाती हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। जन जन का मतलब है कि हम अपने ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज तक पहुंचाना, जिससे कि हमारा ब्राह्मण समाज लाभान्वित हो सके। आज इस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या आयोजित किया जाएगा, कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, हम सभी मुख्य अतिथि हैं, जितने भी हमारे ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं सभी मुख्य अतिथि हैं, जो भी मंचासीन हैं सभी मुख्य अतिथि हैं, जो सामने बैठे हैं वो भी मुख्य अतिथि हैं, तो मैं मुख्य अतिथि की बात नहीं करूँगा। हाँ, हम सब एक हैं, मैं ये बात करूँगा। इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग एकत्रित हुए? इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लोग एकत्रित हुए हैं और भारत के हर जिले, हर शहर से, हर वार्ड से हमारा सदस्य आया है। विशेष विषय है जिस पर आज कुछ चर्चा होगी या सरकार द्वारा किसी चीज के लिए कुछ मांग करी जाएगी, ऐसा कुछ है? जिस प्रकार अन्य समाज अपनी अपनी मांगों को रखते हैं, उसी प्रकार हम भी अपनी मांगों को रखेंगे। जब हमारे जो वरिष्ठ गण हैं अपनी बातें कहेंगे अंदर, तो वो खुद ही आप देखेंगे क्या मांगे हैं हमारी। हमारी तो मेन मांग है कि हमें जो निचला कुचला दबा बनाया जा रहा है, तो हमें ऊपर उठाया जाए। ब्राह्मण समाज के लोगों से क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण समाज के लोगों से ये कहना है कि हम सब जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज़ दिल्ली के संसद भवन तक नहीं पहुंचेगी,
जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो फिर अपने ही गुफ्तगू में खो जाते हैं और हमारी बातें नहीं करते हैं। अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी, वो बीच में ही दब के रह जाएगी। ऐसा कुछ रणनीति हमको बनानी होगी जिससे कि एक बलशाली आवाज़ हमारी संसद तक पहुँचे। कुछ कहना चाहेंगे आज इस ब्राह्मण महाकुंभ के लिए? जी, मेरा नाम शिवा पांडे है, आप सभी को मेरा जय भगवान परशुराम। मैं अपने समाज और अपने लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज जिन परिस्थितियों में हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर पेशवा बाजीराव भल्लाल का खून है, हम कभी बंदा बहादुर बन के देश के लिए लड़े हैं, हमने कभी अंग्रेज़ों को सीधे मंगल पांडे ने सीधे गोली मारी है। तो कृपया करके हमें कमज़ोर कोई भी ना आके, हम चाहें तो इस सरकार को और इस सिस्टम को भी झुका सकते हैं। और ब्राह्मण कुंभ जो आयोजित हुआ है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, आप उसमें शामिल होना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मणों की अपेक्षा जो अन्य लोगों के अन्य किया जाता है उसके संदर्भ में आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने जो कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, तो उन्होंने एक हुकार भरी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं या फिर पूरे हिंदुस्तान के समस्त ब्राह्मण, अन्य राज्यों के समस्त ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हज़ारों की तादाद में मैं देख रहा हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पहली बार मैंने अपने होश में ये देखा है कि ब्राह्मण समाज के लोग, युवा साथी, बुज़ुर्ग, माताएँ, बहनें, सब इतनी बड़ी तादाद में एकजुट होकर के, चाहे वो ये हो सकता है कि अराजनीतिक संगठन जो हम लोगों के ब्राह्मण संगठन होते हैं, तरह तरह के कवि उनके विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जब समाज का एक कार्यक्रम राजेंद्र त्रिपाठी जी ने किया तो सब एक मंच पे आने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या लगता है इस कुंभ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आपका समाज? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण समाज की जो अपेक्षा चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे अन्य समाज लोगों के द्वारा की जाती है, ब्राह्मण समाज यहाँ समाज की धुरी है। जब तक आप ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करेंगे तब तक सनातन जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि सनातन की रीढ़ ब्राह्मण समाज है और सनातन अगर जिंदा नहीं रह सकता तो समाज नहीं रह सकता, और समाज अगर असुरक्षित है तो फिर राष्ट्र कहाँ सुरक्षित रहेगा। इसलिए ब्राह्मण की उपेक्षा करना बंद करें, सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें, सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करें और सब लोग मिलकर चलें, तभी सनातन जिंदा रहेगा और हिंदुस्तान उन्नति की ओर अग्रसर जाएगा। आयोजन किया जा रहा है, देखिए ब्राह्मण समाज का ये कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक सनातन पर जो हमला हो रहा है, और चूंकि सनातन को ब्राह्मण से अलग नहीं किया जाता और ब्राह्मण से सनातन को अलग नहीं किया सकता, तो हम लोगों ने, चूंकि आपने एक वक्तव्य सुना होगा कुछ दिन पहले साउथ के मुख्यमंत्री जी ने, नाम उनका लेना जरूरी नहीं है, उन्होंने सनातन पर ही हमला कर दिया, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक तरीके से सनातन पे हमला देशद्रोह है, और देशद्रोह के खिलाफ जो देशद्रोह काम कर रहा है उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मण ही खड़ा होता है, हुआ हमेशा देश की आज़ादी से लेकर, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर। आज कहाँ कहाँ से समाज के लोग यहाँ पर? आज हमारे आज यहाँ पर केवल पदाधिकारी और प्रतिनिधि आए हुए हैं, तब ये स्थिति है। आज अगर हम लोग पूरा हमारे प्रतिनिधियों का कार्यक्रम है और अगर हम लोग आह्वान कर देते तो शायद पूरा लखनऊ में जगह न रहती, इसका हम लोगों ने एक आयोजन विस्तृत किया है क्योंकि प्रयागराज में आज उसकी तैयारी बैठक है। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे समाज? मीडिया के माध्यम से समाज कहता है, समाज के प्रति हर व्यक्ति को, हर सनातन के लोगों को, सनातन के, चूँकि सनातन कोई सबसे बड़ी जो चोट किया जाता है सनातन पर, वो ब्राह्मण को आगे करके, चूँकि सनातन पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो ब्राह्मण पर करते हैं, तो इसका मतलब सनातन में चोट हुआ। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, सनातन की अगर रक्षा करना है तो ब्राह्मण समाज के को आगे आकर अगुवाई करना पड़ेगा। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।